भर के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर, एग्जाम पैटर्न बदल गया है। जी हाँ, जरूरी जानकारी इस खबर में देखिए ध्यान से। जी हाँ, सभी को बताएं, इस वक्त की बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। दसवीं बारी के बोर्ड छात्र छात्राएं बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अगले दो मिनट के अंदर प्रसारित की जा रही। तो आप सभी भी अगर शिक्षा विभाग से ताल्लुक रखते हैं, वह आप भी दसवीं बारी के बोर्ड छात्र छात्राएं हैं, वह आप भी दसवीं बारी की बोर्ड परीक्षा 2023 में हिस्सा लेने वाले हैं, वह आप भी अच्छे अंकों के साथ पास होना चाहते हैं, वह आप भी अच्छे अंकों के साथ टॉप करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी मिलेगी। तो साथियों, उससे पहले अभी तक चैनल पे हम नए हैं तो तुरंत आपके अपने चैनल SPS न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी को बताते हैं कि आप बड़ी मुख्य जानकारी है। जी हाँ, आप सभी को बता देना चाहते हैं, आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आज सबसे पहले बड़ी बैठक की, जिसके पहले निर्धारित किया गया कि आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम कब से चालू कराया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बताएं, दिसंबर का महीना चलने लगा, ऐसे में बोर्ड एग्जाम के पहले प्रैक्टिकल एग्जाम जो होते हैं वो दिसंबर के तीसरे वीक में चालू कराने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वही सेंटर कहां व कैसे बनाए जाएंगे, इसको लेकर अभी से केंद्र सरकार की तरफ से सूची प्रसारित की जा चुकी है कि कहां पे सेंटर गठित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि बोर्ड परीक्षाएं कब से होंगी। तो दोस्तों, आप सभी को बताएं, 8 फरवरी 2023 के दिन से 10वीं बारी बोर्ड परीक्षा 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आयोजित कराया जा रहा है। लगभग दोस्तों, आप सभी को बताएं, 2,90,00,000 से अधिक विद्यार्थी इस बार सभी बोर्डों के पंजीकृत हुए हैं 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं को देने के लिए। एक बहुत बड़े अमाउंट के साथ विद्यार्थी पंजीकृत हुए। सभी सारे विद्यार्थियों को पास होने के लिए एक तकनीक को समझना होगा कि बोर्ड परीक्षा के पेपर को समझे कैसे, उसके लिखने का पेपर को आसान तरीका कैसे बनाए। तो सबसे पहले विद्यार्थी इन सभी चीजों को ध्यान दें। विद्यार्थियों को समझना होगा कि क्वेश्चन किस लेसन का है। जी हां, सबसे पहले सरकार ने आप सभी के आदेश दिया है, एक तरफ से आग्रह समझ सकते हैं, विद्यार्थियों के हितों में यह फैसला लिया गया है कि विद्यार्थी सबसे पहले लेसन पढ़े व क्वेश्चन को लिखने के तरीकों को समझे। जी हां, आप सभी को बताएं, इंटर हो या फिर हाईस्कूल तक चल जाता है, लेकिन इंटर के बाद जितनी भी परीक्षाएं होती है या इंटर की परीक्षा भी बात कर ले, वो बोर्ड परीक्षाओं में, जी हां, आप सभी को बताएं, कोई भी सटीक आंसर नहीं लिखता, यानी कि कॉपी में आप सभी जो नोट्स लिखवाएगी वही आंसर आप वहां पे छापे जाके। जी नहीं, इसे इसको तरीका नहीं कहते हैं। आप सभी को लिखने का तरीका या तात्पर्य उसका होता है कि जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड आंसर आप लिखें। जो आप उससे रिलेटेड आंसर लिखते हैं तो आप बहुत ही अच्छे अंकों के साथ पास होंगे। तो इसके लिए विद्यार्थी सभी क्वेश्चन बैंकों के साथ या फिर आप सभी अपने लेसन को ध्यान से पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उसको आप अच्छे तरीके से अनसॉल्व में समझे जाके अनसॉल्व से उसका आंसर शीट निकालें, आंसर शीट से आप वहां से पढ़ेंगे तभी अच्छे अंकों के साथ पास हो पाएंगे। जी हां, इसके आगे बढ़ाएं। आपको सरकार ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के कॉपियों का मूल्यांकन भी विद्यार्थियों के हित में होगा। विद्यार्थियों को इस बार काफी ज्यादा तादाद में पास किया जाएगा और विद्यार्थियों के लिए सरकार ने कई सारी नई योजना बनाई कि विद्यार्थी के जो आप सभी की अगर राइटिंग अच्छी होगी और इसके बाद में किसी सब्जेक्ट में 2 या 3 नंबरों से फेल हो रहे होंगे तो राइटिंग के बलबूते आप सभी को पास किया जाएगा और 2 सब्जेक्टों तक फेल विद्यार्थियों को दोबारा से मौका मिलेगा पास होने का। यह सबसे बड़ी मुख्य खुशखबरी की बात है। इसी के अलावा आप सभी को बताएं, एक और बड़ी मुख्य अपडेट है। जी हां, विद्यार्थियों के लिए सरकार ने सबसे पहले यह वादा किया है कि बोर्ड छात्र छात्राएं सबसे पहले जितना ज्यादा पेपर अटेंड करने में कामयाब होंगे उतने ज्यादा विद्यार्थियों को पास करने की हमारी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यानी इस बार हम 98% तक विद्यार्थियों को पास करेंगे, यानी लगभग समस्त विद्यार्थी पास होंगे, बस वही विद्यार्थी फेल होंगे जो कि सादी कॉपी जमा करके आएंगे। आप यह ध्यान रखें, 80-90% तक पेपर को अटेंड करें। जी हां, 80-90% तक पेपर को जितना ज्यादा अटेंड कर लेंगे उतने ज्यादा आप सभी के पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उसका सलूशन क्या होगा वो आप सभी को हम बताने वाले वीडियो को।